नमस्कार। जन सरोकार मंच के इस पटल पर हमारी लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे बीच हमारे साथ हैं शकील उर रहमान साहब, जो व्यावसायिक रूप से तो एडवोकेट हैं, लेकिन जब आदमी व्यवसाय के अलावा भी कुछ होता है तो बहुत उसका जीवन बहुत अर्थपूर्ण दिशा में माना जाता रहा है। तो शकील साहब, आपका स्वागत है। और शकील साहब, वर्तमान में कांग्रेस की विचारधारा के हैं और काफ़ी टाइम से हैं, काफ़ी लंबे समय से हैं, लेकिन वो राजनीतिक उठापटक से अलग हटते हुए कांग्रेस का अपना एक प्रकोष्ठ है मानव अधिकार, उसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हमको लगा लाजमी है कि जब आज पूरे देश में हालतें कुछ बड़ी उथल पुथल की हैं और प्रसंग मानव अधिकार का है, तो क्यों नहीं शकील साहब से बात की जाए और आपके बीच जो संवाद हो वो आपके बीच लाया जाए। और जैसा आपको लगे प्लीज़ कृपया करके आप कमेंट भी करें, अपने सुझाव भी दें। तो शकील साहब, काफ़ी टाइम से आप कांग्रेस के साथ हैं। जी हाँ, कांग्रेस से तो ये मान लीजिए मुझे विरासत में ही अच्छा मिली है। अच्छा। क्योंकि मेरे ताऊजी हबीबुर रहमान खान जी वो DCC के प्रेसिडेंट भी रहे यहाँ पर। अच्छा। और ये समझ लीजिए मेरे वो पिता तो थे, बड़े पिताजी, लेकिन मेरे राजनीतिक गुरु भी थे। अच्छा। उनसे हालांकि मैं छोटा था, लेकिन उनसे जब इंसान बच्चा जब छोटा होता है तो वो कुछ अपने बड़ों से सीखता है। और राजनीति मैंने राजनीति के जो कुछ पहलू जो सामने आया और जो मैंने जाना वो उन्हीं से जाना। अच्छा। तो अब इस पर तो बात करना ज़्यादा उचित नहीं है कि कांग्रेस आपको कैसी लगी, क्यों लगी, ये तो विरासती मामला हो। जी हाँ, विरासत ठीक है, लेकिन आप कोई और लाइन में जाते, कांग्रेस की भी बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन आपने जो है, मैं जब से आपको जान रहा हूँ मैं आपको इसी प्रकोष्ठ में देख रहा हूँ और बढ़ते बढ़ते लगातार काम करते हुए आज आप इस पद पर आए हैं कि आप राजस्थान प्रदेश की जो कमेटी है कांग्रेस की, उसमें आप प्रदेश अध्यक्ष पद को उसका दायित्व निभा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ह्यूमन राइट्स है क्या, कुछ थोड़ा सा आसान भाषा में बताएंगे? मैं थोड़े से पहले मेरे बारे में आपको बता दूं। जी। युवा अवस्था स्टूडेंट लाइफ से मैं राजनीति में रहा हूँ, बताया दिया था कि बचपन से रुचि रही है, फिर मैं रहा हूँ जी। अपने कॉलेज टाइम में मैं राजनीति में रहा जी। और वहाँ कॉलेज का दोसा कॉलेज का अच्छा दोसा से हाँ चुना हुआ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ दोसा कॉलेज में, वहीं से मैंने BA और MA। ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स की जहाँ तक बात है, तो कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी जी, पार्टी चाहे कोई सी भी हो लेकिन उसकी जो विचारधारा होती है वो मानव अधिकार से जुड़ी हुई होती है। हर पार्टी ये चाहती है कि हम जो भी व्यक्ति के अधिकार हैं हम उनके साथ चलें और हमारी पार्टी को मजबूत करें। ठीक है। 98 के अंदर UNO में मीटिंग हुई थी, क्योंकि मानव अधिकार का पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी हनन होता नज़र आ रहा था, तो वहाँ एक मीटिंग हुई और वहाँ पर UNO मीटिंग से ये बात रखी गई कि जिस देश की पार्टी बड़ी है वो अपने वहाँ एक संगठन बना ले। पार्टी तो है अपनी जगह ठीक, लेकिन एक ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अपना वो संगठन बना ये काम भी करे जी, मानव अधिकार से संबंधित संगठनात्मक रूप से ये काम भी करें, प्रपोज बनाए, सेल बनाए किसी भी अपने पार्टी में। ठीक है। 98 के अंदर सोनिया जी ने हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे रिटायर जस्टिस रंगनाथन मिश्र, अच्छा, उनकी अध्यक्षता में 98 के अंदर हमारी इसका गठन, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसका गठन किया। मैंने शुरू से मेरी रहा है कि मैं खिदमत करता रहा, खिदमत खल्क भी कहलाती है, मानव सेवा भी कहलाती है, मानव अधिकार के लिए लड़ना भी कहलाता है। सही कह रहे हैं। मैंने अखबार में पढ़ दिया था एक विज्ञापन टाइप जी, जिसमें आता ना कोई
अध्यक्ष बन जाता तो अपना विज्ञापन देता। हाँ, मैं वहाँ पर जब मैंने वो पढ़ा तो मेरे मन में ये रही कि अपन नेता भी ऐसे रहा है सेवा करना, क्यों ना हम माधव दिगार की मैं खिदमत करूँ, लोगों की सेवा करूँ जी। 2000 के अंदर, सन 2000 में धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचे और यहाँ जो प्रोफेसर पीएल कांतुर हुआ करते थे अजमेर में, वो सबसे पहले वही यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे। ठीक है, मानवाधिकार विभाग थे कांग्रेस ने जो बनाया था, मानवाधिकार विभाग बनाया था। ठीक, उसके जो संयोजक थे वो दिनेश जी भारद्वाज साहब थे, जो धीरे धीरे हमने मालूम करा तो दिनेश जी भारद्वाज सीज के में हम गए, उन्होंने मेरे से बातचीत करी, उन्होंने पहचाना और मुझे टोंक का जिला अध्यक्ष बना दिया मानवाधिकार विभाग का। अच्छी बात, नया था टोंक में क्यों, मेरी एजुकेशन हमेशा बाहर रही। हालांकि उन्होंने ये सवाल भी रखा कि आपने टोंक क्यों चुन रहे हो, सीकर क्यों नहीं चुना, क्योंकि सीकर में पिछले 25 साल सीकर रहा। अच्छा, टोंक मेरा घर है, मैं वहाँ पर आराम से कर लूँगा। यहाँ आया तो गहलोत साहब ने 98 में सबसे पहले चलाया था प्रशासन शहरों के संघ। ठीक, प्रशासन शहरों के संघ में मैं अकेला, तो मेरे साथ में एक साथी होते, हमने जहाँ जहाँ कैंप लग रहे थे वहाँ हमने टेंट लगाए, हमारे खुद के टेंट लगाए। ठीक है, पार्टी को हमने कहीं से कहीं तक तकलीफ नहीं दी। और टेंट लगाने के बाद में जो भी व्यक्ति आते थे, कोई पढ़े लिखे नहीं होते थे, किसी को ये मालूम नहीं होती थी कि कैसा काम किस होगा, तो हम उस टेबल पर वो काम करते रहते थे। धीरे धीरे हमारी पकड़ पब्लिक में बनी जी, लोगों को जाना। उसी टाइम हम लोगों को ये भी बताते रहते थे कि मानवाधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, आपके क्या अधिकार है, आपको कैसे रहना है, आपके साथ में यदि कोई परेशानी होती है, महिला पुलिस अत्याचार कर रही है या आप कोई श्रमिक हैं और आपके साथ में कोई दुराचार हो रहा है, किसी भी तरह की आपको परेशानी है तो आप हमें बताएं। 2-4 इस तरह के केस आए भी, हमने बताया तो धीरे धीरे एक पहचान बनी टोंक के अंदर। 2000 ये हमने हमारा काम किया। तो शुरुआत में जब आपने इतनी मेहनत की और अपनी पहचान अपने हाथ पैरों पर बनाई जी, आपने कांग्रेस पार्टी से मुझे लगता है कोई किसी तरह की फंडिंग भी नहीं ली। हाँ, फंडिंग तो जब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। आज भी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे कार्य को आगे तक ले जाना या लगातार चलाना, क्योंकि फंडिंग आज के ज़माने में फंडिंग के बिना बहुत जी बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल हो जाता है और आदमी स्वयं कहाँ तक कर पाए, एक अलग तरह की सोच लिया, फिर भी आप कर रहे हैं, बड़ी बात है। तो ये मैंने, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि अगर आसान भाषा में कहें तो ये मानव, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार क्या है? देखिए, मानव अधिकार व्यक्ति के जन्म से अधिकार, पहली बात, जब से वो पैदा होता है और मरने तक जी वो उसके अधिकार होते हैं, कि पैदा होने के बाद में उसको जीने का अधिकार भी है, रहने का अधिकार भी है, घूमने का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, समानता का अधिकार भी है, धर्म का अधिकार भी है। ठीक है, लास्ट तक उसके, और फिर जैसे जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसको ये अधिकार भी होता है कि उसके बच्चे, मतलब वो सेवा करें, और ये सारे अधिकार मिलके इसको हम एक मानव अधिकार कह सकते हैं, कि उसके सैद्धांतिक और वैधानिक अधिकार होते हैं व्यक्ति के। ठीक है, तो जो संवैधानिक रूप से जो अधिकार दिए गए हैं, जो आपने बताया, संवैधानिक रूप से तो हर आदमी तक है, लेकिन शायद मुझे गलत नहीं कह रहा हूँ कि आप एक कड़ी बनाते हैं कि जिन लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं है कि वो उनके अधिकार हैं और उनका इस्तेमाल करके वो अपना जीवन थोड़ा सुलभ या आसान कर सकते हैं मुश्किलों को, उसके एक संयोजक, एक कोऑर्डिनेट कड़ी हैं आपको जी, क्या ऐसा ठीक है कहना? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि अधिकार के बारे में तो सब जानते हैं लेकिन उनको हासिल कैसे करना है वो बहुत कम लोग जान पाते हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे देश में साक्षरता की कमी। जहाँ पर साक्षरता है, एजुकेशन है, वहाँ तो आदमी अपने जानता है कि उसके क्या राइट्स है क्या नहीं है। लेकिन हम राजस्थान को ले लें, राजस्थान में जैसे ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो नहीं जानते कि उनके अधिकार क्या है, इसी वजह से वो पढ़े लिखे कम हैं, तो वो ये नहीं जान पाते कि उनको अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा टीम एक है, जैसे एक कार्यकारिणी होती है प्रदेश की, प्रदेश के बाद जिले की, ब्लॉक की, ग्रामीण की, शहर की, ठीक है, इस तरह से हमने वो बना रखी है हमारी स्टेज। ठीक है, तो जो हमारी निचली जो पादान है वो है ग्रामीण, ठीक है,
ग्रामीण में हम जाते हैं वहाँ पर सेमिनार करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं। और आपको बीच में बात बता दूं कि अभी हमारे जो आरपीएससी के जो अपने चेयरमैन हुआ करते थे इनके बिरवा साहब, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो हमने एक रथ निकाला था मानवाधिकार का, ताकि उसमें हमने दो चीज़ लेके चले, क्योंकि हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का भी हमें काम करना था, हमारी पार्टी का भी काम करना था। कांग्रेस की सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की जो विचारधारा शुरू से ही और आज तक ये रही है कि मानवाधिकारों की रक्षा करना, जनहित में जो भी कार्य होते हैं वो करना। आज जैसे हमारे गहलोत साहब हैं, उन्होंने जो उनकी योजना चल रही है वो मानवाधिकार से संबंधित है, उनको राइट्स मिल रहे हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए, उनको बिजली मिलना चाहिए, बिजली कितनी फ्री होना चाहिए, और उनको चिकित्सा व्यवस्था है, उनको कितनी सुलभ होना चाहिए, कितनी उनको सहायता मिले, यही तो दुनिया देख रही है, वो दुनिया देखे, तो ये भी एक मानवाधिकार का ह्यूमन राइट्स का एक अंग है हमारी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम जब गांव में जाते थे ये चीज़ हमने रथ निकाला यात्रा, तो हमने उनका प्रचार प्रसार भी किया, साथ में हमने नुक्कड़ सभाएं करके हमने एक रजिस्टर मेंटेन किया कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं कितनी है और कितनी कमी है कहाँ की गांव में, क्योंकि सरकार कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और मूलभूत सुविधाएँ लोगों को नहीं मिल पाती। तो हमने एक रजिस्टर मेंटेन किया वहाँ पर, ये सारी देखी किसको क्या राइट है, क्या पानी की कमी है, फ्लोराइड कहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि वो भी जीवन जीने का अधिकार है व्यक्ति का, किस क्षेत्र में फ्लोराइड है, किस क्षेत्र में आपके लाइटें नहीं है, किस क्षेत्र के अंदर क्या परेशानी है, इस सारी चीज़ों का हमने बाकायदा हम मेंटेन करके चलते थे। और यहाँ आकर हमने हमारी पार्टी को वो पूरे रिपोर्ट बना के दी, तो इसके साथ में हमने मानवाधिकार का प्रचार प्रसार किया और पार्टी को भी मतलब प्रचार प्रसार किया चुनाव के अंदर। और इस तरह हम मानवाधिकार का धीरे धीरे हमने मानवाधिकार को लोगों तक पहुँचाया कि उन्हें बताया कि आखिर में उनके अधिकार क्या है, मानवाधिकार क्या है। शकील साहब, आप तो एडवोकेसी के आदमी हैं, लीगल सेल देखते हैं सारा, एक बात पूछूं, कानून में एक बात कही जाती है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, जबकि देश जानता है कि हमारे यहाँ लिटरेसी की कमी है, साक्षरता की कमी है, और ऊपर से एक बड़ा स्टेटमेंट है कानून की तरफ से, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप कानून को नहीं समझते हैं तो वो आपको माफी नहीं देगा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थितियों में फंसे हुए आम आदमी के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, इन हालातों में सबसे पहले मेरा ये सोचना है जी कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, चाहे हम कॉमर्स लें, चाहे हम साइंस लें, चाहे हम आर्ट्स, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर हम एक विधि का भी सब्जेक्ट रखते हैं, कम से कम उसमें स्पेशली हमें ये पता चल जाए कि हमारे भारत का संविधान क्या है और हमारे अधिकार उनसे परिचय, भारत के संविधान में हमारे अधिकार भी आ जाते हैं। बिल्कुल सही। हम हमारे संविधान को, जब तक हम हमारे देश के संविधान को नहीं जानेंगे तो हम अपने बारे में क्या सोच सकते हैं। नहीं, किताबों के पीछे तो छापते हैं हमारा संविधान। नहीं, वो तो सिर्फ प्रतिज्ञा है। अच्छा। मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि जैसे आज हमारे इंग्लिश कंपलसरी होती है, ठीक, हिंदी कंपलसरी होती है, ऐसे ही एक ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट भी कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है, और हमेशा वो चलता है। क्या ऐसा प्रपोजल आपने कहीं आगे भेजा है? नहीं, फिलहाल भेजा तो नहीं, लेकिन अब मैं विचार कर रहा हूँ कि ऐसा हो तो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए ना। जी, हम अपने देश को, अपने संवैधानिक स्थितियों को नहीं समझते हैं तो हम क्या लोकतंत्र समझेंगे? जब तक हम हमारे देश के संविधान को नहीं समझेंगे, यानी देश के संविधान को नहीं समझना, मैं ये मानता हूँ अपने आप को हमने नहीं समझा। नहीं, देखिए, एक बात है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात सीधी सीधी है कि चलिए मान लीजिए 33% 34% जी एक पक्ष के पास और बहुमत में है, वो अधिकारी है इस बात का कि वो अपने विचारधारा के हिसाब से सत्ता चलाए, इस पर दो राय कोई भी होगा तो वो अपने, लेकिन व्हाट अबाउट 65% विपक्ष में है। तो आज जो स्थिति है कि जो 65% है, या तो वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है विरोध का, ऐसा लगता है, और वाकई विरोध है अगर डेमोक्रेटिक सिचुएशंस का, तो उसके पीछे क्या साक्षरता का या शिक्षा का अभाव है? जी देखिए,
साक्षरता तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि हमारे देश में साक्षरता का जो रेशो है अब तो फिर काफ़ी बढ़ गया, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको कम मानता हूँ। दूसरे जहाँ तक ह्यूमन राइट्स के सवाल है, अभी हाल ही में हमारे दिल्ली के अंदर आप अखबारों में देख रहे हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि अभी मतलब पहलवानों को किस तरह उनको घसीटा गया, महिलाओं को किस तरह उनको घसीट के उनको निकाल दिया गया। तो जाहिर है कि हमारे देश में सरकार होते हुए भी जी सरकार जब होती तो उसे मालूम है कि उसके क्या राइट्स हैं। एक तरफ तो देखिए हर सरकार हर पार्टी ये कहती है कि हम वही जो उनका एजेंडा होता है ना जी वो मानव हित में होता है, मानव अधिकार से संबंधित होता है, बिल्कुल। लेकिन आज स्थिति ये हो रही है कि मैं भी विपक्ष की बात नहीं कर रहा, विपक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो एक लीगल बात है चाहे वो सरकार किसी कोई सी भी हो, अपन तो सीधे आम आदमी की बात कर रहे हैं। आज वो पहलवान ने उन्होंने कईयों ने मतलब मेडल लिया है देश के लिए, ओलंपिक में खेले हैं, मेडल प्राप्त किया है, देश का नाम रोशन किया है। अगर आज वो अपने अधिकार के लिए सड़क पे, तो पहली बात तो ये थी कि उन्हें सड़क पे आने नहीं चाहिए था, सड़क पे आने से पहले उनकी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। अब चलिए सड़क पे आ गए, वो एक कहावत है कि बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती, लेकिन यहाँ तो ये है कि बच्चा रोया तो माँ ने उठा के गोद में से भी फेंक दिया, हाँ बिलट ही रहा है बच्चा जी जी, और उसको भी फेंक दिया उठा के, उसकी क्या राइट है ये नहीं जानते है। तो ये एक तरफ का मानव अधिकार की बात करती है सारी पार्टी है, और दूसरी तरफ उन्हीं के राइट्स और विशेष रूप से महिलाओं के लिए जी जो हमारा 1918 से महिलाओं की अलग से चलता अलग से वो बनी हुई है जी जी, महिलाओं को क्या होना चाहिए कामकाजी महिलाओं के लिए, सब महिलाओं के लिए है, जैसे सबके लिए अलग से इनके लिए बादशाह के अलग बना हुआ है, महिलाओं का अलग बना हुआ है, एक जनरल ह्यूमन राइट्स का अलग अलग मतलब वो पार्ट है इसमें। तो महिलाओं के अधिकारों को देखते हुए तो उनके अधिकारों को साफ तौर पर हनन हो रहा है, और भले हम अपने आप यहाँ पर रहकर ये कहते हैं कि साहब हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कानून के दायरे में कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ विदेशों में हमारी बरसना हो रही इस चीज़ की कि महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। उनकी जो समस्याएं बैठ के सुलझाइए, उनकी सुनिए, कानून के दायरे में सुनिए, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप कानून का दायरे के हमारी बात मान सही कह रहे हैं। लेकिन आप तो एक राजनीतिक पार्टी से भी हैं और इस बात के पक्षधर भी हैं कि उनके उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि मैं पत्रकारिता का भी आदमी हूँ, तो यहाँ तो ऐसा कोई जिले स्तर पर कोई कार्यक्रम दिखा नहीं उनके समर्थन में, ऐसा किस बात का इंतजार है जी वो कि अपने जिले से भी वॉइस जाती जी हमारे जाना चाहिए थी हाँ। लेकिन नहीं जा सकी, उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना जी, हर आदमी एक दर्शक बन के रह गया पार्टी से भी, जब सच्चाई ये है कि पहले व्यक्ति पार्टी को इतना समर्पित होता था कि थोड़ी सी बात हो जाती थी वो खड़ा हो जाता था, ठीक है, और गलत बात होती थी वो भी अपनी रखता था, और सही बात होती थी वो आगे तक पहुँच जाता था, ठीक है। आज हम मतलब क्या है कि हमारी मानसिकता ये मान लीजिए, ऐसा कुछ भी मान लीजिए कि एक दर्शक की तरह होते जा रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता भी कि देखिए क्या होता है हमारा, वो एक दूसरे पर डिपेंड कि देख वो करें तो हम करें, वो करें तो हम करें, ठीक है, बिल्कुल। मैंने इस कड़वा सच है जी ये कड़वा सच है, ठीक। तो इस चक्कर में कोई सी पार्टी, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा कि आप पार्टी कोई बात नहीं कर, चाहे आप कम्युनिस्ट को ले लीजिए, कोई सा भी बहुजन समाज पार्टी को ले लीजिए, चाहे आप बीजेपी को ले लीजिए, भाई ठीक है। आज मैं आपको बताऊँ क्या हमारे सत्ता में रहते हुए क्या गलती नहीं होती क्या किसी से, सबसे होती मैं आपको इसका एक बहुत कड़वा बल्कि कड़वा नहीं एक सच्चा उदाहरण बता रहा हूँ, और आपने भी पढ़ा होगा कि जब हमारे स्वर्गीय बनवारी लाल जी बेरवा साहब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, उनका विधान क्षेत्र का एक गांव है बरथला, आपने सुना होगा, वो बरथला में समाचार मुझे मिला कि एक दलित को घोड़े से उतार दिया, फौरन हम गए हमारी सरकार थी सब कुछ हमारा था, लेकिन हम गए वहाँ की सच्चाई जानी, वो सच्चाई जानने के बाद में हमने उस दलित के पक्ष में बोले, उस दलित के न्याय दिलवाया, और जिस किसी ने भी गलती की थी जो भी था बहरहाल उसको हमने उसके विरुद्ध हमने जांच करवाई, उसके विरुद्ध हमने उसके काम करवाया। तो अगर हम ये सोच लेते कि भाई हमारी सरकार है उप मुख्यमंत्री साहब का हमारा क्षेत्र है हम नहीं करें, तो वो शायद हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन
हमारा जो ह्यूमन राइट्स है वो ये नहीं देखता कि पार्टी किसकी है या सरकार किसकी है। यहाँ पे मानवाधिकार का हनन किसी का नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को हम लेके चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में के हैं, वो हमारे पास आते हैं, कम उनसे ये नहीं कहते कि भाई आप कांग्रेस को आप बीजेपी को तो हमारे पास काम नहीं करेंगे। पीड़ित पीड़ित ही होता है, वो उसकी विचारधारा है, लेकिन जो उसके साथ घटना घटती है वो उसकी व्यथा है, तो हम उसकी व्यथा के अनुसार चलते हैं। बिल्कुल सही। हम उस टाइम ये नहीं देखते किस पार्टी का। ऐसा कोई प्रसंग बताइए ना जी। ऐसा प्रसंग बताता हूँ, ये हम अपना उनियारा में ही है। अच्छा। उनियारा का एक गांव है नगर फोर्ट है ना, नगर वहाँ का। इस वक्त में उसका काफ़ी अर्सा हो गया इस बात को, ठीक है। उसकी एक सरपंच ने स्कूल के बराबर में एक थड़ी थी, ठीक है, उसके नाम से उसकी लाइट लगी हुई थी उस थड़ी के ऊपर। सरपंच साहब बने और सरपंच साहब ने उसकी थड़ी को हटवा दिया, फेंकवा दिया, जबकि वो अपना जीवन यापन उसी से गुजारा कर रहा था, गरीब आदमी था, लेकिन विचारधारा वो बीजेपी का था और बीजेपी की जो यूथ यंग है उसका वो उपाध्यक्ष हुआ करता था। उसे पता चला, वो हमारे पास आया, सारी बात बताई। बात बताने के बाद में उसने खुद ने मुझसे एक सवाल कर लिया कि साहब आपने मुझसे ये सब कुछ तो पूछ लिया, आपने मेरे से ये लाइट के बिल भी ले लिए, आपने ये भी ले लिया कि पंचायत को मैं इसका किराया अदा करता हूँ, वो फिर भी हटवा दिया, आपने ये सारी चीज़ें तो कर ली, लेकिन मुझे साहब एक डर है। मैं बोलो कौन अब कौन सा डर आ गया हमने आगे। मैं साहब मैं बीजेपी का यूथ का वो हूँ उपाध्यक्ष, ठीक है, नगर फोर्ट का। मैं क्या भैया आप यूथ के चाहे अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या जनरल सेक्रेटरी हो, बीजेपी के हो या कम्युनिस्ट के हो या किसी के भी हो, हमारा मतलब यहाँ पर ये नहीं, आपके साथ में घटना घटी है, आपका साथ अत्याचार हुआ है, आपके साथ गलत आपको वो किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं, हम इस चीज़ को नहीं देख रहे कि आप किस पार्टी से। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं ये बात कि आप किस पार्टी से, पूछा है क्या मैंने आपसे? मैंने साहब आपने नहीं पूछा, तो आप निश्चिंत रहिए आपका काम होगा। और ये हुआ, तीन दिन में प्रशासन को हमने सारी अवगत कराया, वो प्रशासन से ही, हम खुद नहीं गए वहाँ, प्रशासन ने उसकी थड़ी को लगवाया, उसकी लाइटें लगवाई, सरपंच के विरुद्ध उन्होंने जांच चल। अच्छा, नहीं उसे फिर बाद में पहले वो आया मेरे पास में कि साहब आप जैसा चाहे मैं ऐसा करने के लिए तैयार, में कहा भाई जैसा चाहे ऐसा करने के लिए मैंने आपको, हमारा क्या इंटरेस्ट है इसे, नहीं आप जिस विचारधारा की आप उसमें रहिए, आप जिसे वोट डालना चाहें आप उसे डालिए, लेकिन फिर हम ये इतना जरूर कहते हैं कि जो आदमी जहाँ पर आपको सही लग रहा है आप वोट उसको चुने, उसे चुने। मतलब समस्या मेरे दिमाग में ये है कि आप अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं होता? प्रचार प्रसार सर हुआ है, आज कम से कम जब मैं 10 साल जिला अध्यक्ष रहा हूँ मानवाधिकार विभाग का काम है। शबीर साहब आप जानते हैं मैं 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ जिले में। जी जी। और आपने ये भी देखा होगा सन 2000 से सन 2010 तक मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा, कांग्रेस हमारी पार्टी है वो भी अपनी जगह काम कर रही थी और हम अपनी जगह काम कर रहे थे। आपको बताएं यहाँ पर एक वो हुआ था, क्या कहते हैं, ऐसे डाल दिया था एक बच्ची के ऊपर, ठीक है, जला दिया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, हमने उस मुद्दे को उठाया, उसे हमने मौन जुलूस निकाला, मौन जुलूस निकालने के बाद में उसको आर्थिक सहायता दिलवाई क्योंकि वो बीपीएल था, आर्थिक सहायता निःशुल्क उस टाइम में, आज तो खैर बहुत पैकेज है निःशुल्क का गवर्नमेंट की तरफ से, उस टाइम में इतना नहीं हुआ करता था, निःशुल्क इलाज करवाया, उसको न्याय दिलवाया। ऐसे ही एक काम आपने देखा होगा, ये अपने बूंदी के अंदर नायकों की बच्ची थी जिसका बूंदी में ससुराल था और वो थी उनियारा साइड की, उसके पिता ने आगे बताया था मेरी बच्ची को बंधक बना रखा ससुराल वालों ने। अब हमारा क्या है, हम सबसे पहले अपने स्तर पे जांच करते हैं कि सही है या नहीं है। हमने अपने स्तर पे जांच करी, पाया, पाने के बाद में यहाँ पर अपने मासूम साहब हुआ करते थे। अच्छा, ऐसा ही। अच्छा, उनसे हमारे राजेश जी मासूम हुआ करते थे, शायद आप जानते होंगे, उनसे हमारी बात हुई, उनका बिल्कुल चलेंगे, आप गाड़ी का इंतज़ाम करवाइए। हमने गाड़ी का इंतज़ाम करवाया, नायकों की बच्ची थी, गाड़ी के इंतज़ाम रास्ते में। अब मैं ये मतलब ये नहीं बता रहा कि एक सोच बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से सोचा,
मैंने तो अपनी स्तर पर जांच कर ली, लेकिन वो मेरी जांच करना चाह रहे थे। मैंने कहा साहब अध्यक्ष जी ऐसा है कि अगर वो ये मामला सही नहीं आया तो हम आपके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। अच्छा बिल्कुल सही नहीं आया तो अब मेरे विरुद्ध कार्यवाही करना, इसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने लिखित में दिया आपको, मैं आपको मौखिक रूप से लेके नहीं जा रहा, मैंने लिखित में दिया। आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, वहाँ जाएंगे देखेंगे। वास्तव में जब वो हम गए तो लड़के कमरे में ही बंद थी और उसके पूरे निशान थे कमर पे और उसके नील पड़े हुए थे। उसको हम लेकर आए, यहाँ लाने के बाद में उसको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में फिर उसके ससुराल वालों का मतलब जी हाँ मेडिकल करवाने के बाद उसको रखा। उस तरह हमने उसको जो बंधक महिला थी उसको भी न्याय दिया। तो ऐसे बहुत सारे कहानी, एक बार आपने देखा होगा कि यहाँ पहाड़ी में से चट्टान गिर गई थी, सुना होगा आपने। तो उस वक्त भी ऐसे हुआ था कि तीन व्यक्ति दब गए, दो व्यक्ति जो जवान लाशें थी ऊपर थी वो तो वो निकल गई, बेचारी बुढ़िया थी बुजुर्ग थी वो नीचे दबी नहीं थी। सब ने कहा कि साहब कल निकालेंगे, कल निकालें। हम अपने खान साहब हुआ करते थे कल ए आर खान साहब। अच्छा जी उस टाइम की बात की, ठीक है। उनसे हमने कहा नहीं साहब लाश तो अभी निकलेगी, जब ये दो निकल गई इनके घर वालों की क्या पोजीशन हो रही होगी, रात वो किस पोजीशन में है, कैसे है और साहब ऐसा है मरने के बाद क्या पोजीशन है अंदर हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन मिल जाती है, कोई बचाव आ जाता है, उसको निकालना जरूरी है। हम इस बात का नहीं साहब हम तो यहाँ से उठेंगे नहीं, ह्यूमन राइट्स वाले तो नहीं उठेंगे, आप चाहें तो जा सकते हैं। उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया, कह रहे हैं उन्होंने कहा चलिए आप वहाँ अपने चेंबर में चले, वहाँ पर बैठ के बातचीत करते हैं। कहते पास में डिवाइस के साथ थे, उन्होंने उनसे हमने सुन लिया था कि वहाँ शावर वगैरह या अपन के जो पत्थरों को उठाने वाली सरकाने वाली जो होती है जैसी मशीनें हैं वो निकाल सकती। हमने उसी वक्त ट्रक के साथ देखा था, ऐसा उन्होंने ट्रक से उसको लदवाया, सुबह 5 बजे मतलब उस लाश को हमने निकलवाया। तो ये हमारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम कभी ऐसी कुछ घटना ऐसी है जिन्हें हम भूल नहीं सकते, बहुत सारी हैं। अब आपको बताऊं सन 2000 से 2010 तक मैंने 1000 प्रकरण का जो कि रजिस्टर्ड है मेरे पास। अच्छा जी हाँ ये महत्वपूर्ण रजिस्टर्ड है मेरे पास, 1000 प्रकरणों का मैंने निस्तारण करवाया, जिसमें कांग्रेस सरकार भी हुआ करती थी, बीजेपी की सरकार भी हुआ करती थी, सारी चीज़ें हुई हैं और हमारा काम हुआ। अच्छा बहुत कम शब्दों में एक बात कहें आप कि आप तो निरपेक्ष भाव से काम करते हैं, आपको ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये आदमी किस विचार कर रहा है। जी ठीक है, क्या ऐसा भी सामने आया कि आपको जस्टिफाइड लग रहा है कि इसके लिए मदद की जानी चाहिए, ये मामला गलत हुआ है और इसलिए आदमी जो पीड़ित है, और जो सत्ताधारी पार्टी है तात्कालिक वो अपने किसी और हथकंडों की वजह से वो कॉपरेट नहीं कर रही है, नहीं क्या ऐसा भी प्रसंग आया है? नहीं ऐसा प्रसंग तो फिलहाल हमारे सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि कम से कम प्रशासन तो जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है, इस चीज़ को अच्छी भली बात ही जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है। और जब ह्यूमन राइट्स वाले जब बात कर रहे हैं तो बिना जाँच किए बिना प्रमाण के हम लोग बात करते नहीं, इसलिए ये तो सवाल ऐसा नहीं है। हमने तो सब पुलिस वालों को भी मतलब पुलिस का चार्ज भी हमने वो करा है। आप बताएं यहाँ पर महिला बाल विकास में एक डिप्टी हुआ करते थे अधिकारी थे नीचे के स्तर के शर्मा जी, अच्छा उनको अन्य सदस्य के साथ बुला दिया। अच्छा अन्य सदस्य बुलाने के बाद में उनको प्रताड़ित किया पुलिस वालों ने, कोई होगा मसला प्रताड़ित किया, उन्होंने मेरे पास आए कि साहब ऐसी बात है, उनके हमने बयान दिया बाकायदा। हमारा एक तरीका रहता है ऐसा नहीं की जाएगा, हमें ऐसा भी महसूस हुआ कि हमें गलत सूचना मिलती है लेकिन हमने उसको उठाया नहीं, जहाँ पता चलता था फिर हमने हम उनसे एक लीगल काम करवाते थे। ठीक कि भाई आपकी जो परेशानी है ना लिख के दे वो आप लिख के दे दीजिए इस काम शपथ पत्र क्योंकि मेरे कल को अक्सर ऐसा नहीं एक दो बार ऐसा नहीं है पलटे भी साहब हाँ पलट जाते हैं। हमसे ये कह दिया एस पी साहब अपने चुड़ावत साहब हुआ करते थे। अच्छा। हाँ जी साहब ऐसे मामले भी हुए हमारे पास में तो चुड़ावत साहब हुआ सीधे भी थे और टेढ़े भी थे। जी जी तो एक था आपस में पति पत्नी का मामला था, विवाह बहुत तगड़ा हो गया और वो हमारे पास आया, हमने दोनों पार्टी को समझाया, फिर मसला ये रहा
कि उन्होंने दोनों ने इस बात के लिए राजी हो गए कि हम अलग अलग रहेंगे, लड़की पक्ष को हम इतना पैसा दे देंगे, हम अलग अलग रहेंगे। सारी बातें हो गई। सारी बातें होने के बाद आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बाहर निकले किसी ने ये कह दिया कि ये तो गलत हो गया, ये फिर वो एस पी साहब के पास चलो और अध्यक्ष जी के खिलाफ बोल दो। ठीक है, अब साहब वो चले गए, अध्यक्ष जी के खिलाफ चले गए, हमारे खिलाफ गए कि साहब हमारे पे चाकू ताना ये चाना और हमें ये दबाया और ये लिखवाया, इस तरह की उन्होंने सारी बातें बताई। ऐसे साहब ने मौका मिल जाता है कई जगह, क्योंकि हम ज़्यादातर प्रशासन ये सोचता है कि हमें दिमाग में हमारे बोझ रहता है कि मंडेश और आ गया, फिर थोड़े बोझ रहते उन्होंने कहा चलो बुलाओ जी, आज नहीं बुलाओ, ये बहुत करते थे, आज नहीं बुला दी। चूड़ा साहब ने पी ए साहब को फ़ोन करा कि जाओ शकील को फ़ोन करो कि आपको बुलाया जा रहा है और ये मामला है। मेरे पी ए साहब जी का क्या मामला है, ये मामला है, वो मालिक का मामला है, क्या कह के गए साहब। मेरा पी ए साहब मैं तो फिर आऊँगा, लेकिन उनसे एक सवाल ये कर लो कि क्या आपने कचौरी नहीं खाई या मिठाई नहीं खाई या आपने क्या खाया, चाय नहीं दी या मैं कहता था अभी रहूँगा, मैं खुद ही पूछूँगा, साहब के सामने बात करें। ठीक है, चले गए हम, उनको पार्टी को बुलाया, सामने बिठाया। मैंने एस पी साहब कहा सर एक बार बताइए, कोई भी व्यक्ति अत्याचार करेगा तो क्या उसे कचौरी खिलाएगा, क्या अपने घर में बुला के उसे चाय पिलाएगा, या उसे बंधक बनाएगा तो क्या उसे मिठाई खिलाएगा, कुछ ऐसा कर लेगा या डायरेक्ट उस पर चाकू तान देगा, ये आप क्या कह रहे हो। मैं कहा ये तो आप पहले इनसे सवाल कह रहे हो, हाँ भाई तुम्हें पिलाई थी चाय, हाँ पिलाई थी, कचौरी खिलाई थी, मिठाई मंगा के खिलाई थी, खिलाई थी, तुमसे कुछ पैसा लिया, नहीं पैसा कुछ नहीं लिया। अब बताइए ऐसे में बताइए हम कहाँ इन्हें चाकू दिला सकते हैं। ये हुआ तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहरहाल जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जितना हम कहा जाता है वुमेन राइट्स को कहा जाता है, उतना उसको उसके बारे में सोचा नहीं जाता। कहा तो जा रहा है लेकिन सोचा, जिस दिन सोचने लग जाएगी हमारी सरकार उस दिन हो सकता है कि हमारा देश वास्तव में गुरु बन जाए। बहुत फर्क पड़ जाए। तो कांग्रेस आपकी इतनी लंबी यात्रा में क्या आपको ऐसे भी अच्छे सहयोग मिले या कुछ ऐसी संस्थाएं भी मिली जो आप जैसी विचारधारा रखते हुए कुछ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? जी जी, अभी लेटेस्ट बताइए, ये 20 मई की बात है। अच्छा, अनुपमा जी हैं, हाँ, और एक हैं अलका जी। ठीक है, मैं उन्हें ना तो बाई नेम जानता था ना बाई पर्सन जानता था। हमारा ये अन्नपूर्णा अंडर बाईपास है बस स्टैंड के सामने जी, यहाँ पर करीब 25-26 दिन से एक लावारिस व्यक्ति था, वो लोग उधर गए एक दो बार, उन्होंने देखा, देखने के बाद में उससे जानकारी दी, उन्होंने तो उसने ये बताया था मुझे घर वालों ने निकाल दिया, मुझे खाने पीने को नहीं दे रहे, और ये वो बहुत ज़ख्मी हालत में था। तो अनुपमा जी परेशान हो गई कि आखिर अब इसको सही जगह पर कैसे पहुँचाए, क्योंकि उसके भाई ने निकाल दिया, जिस भाई को उसने जब सही था हेल्प करता था उसके बच्चों को संभालता था, आज उसने बिल्कुल उसको निकाल दिया। उन्होंने उसके भाई से बात करी, मतलब मेरा भी लेना देना नहीं था। अच्छा, लावारिस से हमने हमारे पास ये रहता ही नहीं, मतलब साफ झूठ बोल गया कि कभी रहे नहीं, तो मैं आज कैसे रखूँ इन्हें, और ये तो लंबी बहरहाल हुआ। ये वो ये सोचने में चल रही थी कि आखिर ऐसे किसको कहा जाए कि इस बंदे को रिलीफ मिल जाए। हमारे ई टी वी की तिवाड़ी भी उन्होंने मनोज भाई, मनोज जी से उन्होंने कहा कि साहब ऐसी मामला है और ये इसको हम रिलीफ दिलवाना चाहते हैं, जैसे ना किसी अपने घर पहुँच जाए या कहीं और पहुँच जाए। मनोज जी ने कहा कि ठीक है अभी मैं देखता हूँ। उन्होंने पहले मुझसे बात करी, फिर उनसे कहने लगा जी बिल्कुल आप उनको बता दें वो कहाँ मिलेंगे। दूसरे दिन नाइट में बात हुई थी मेरी, ठीक सुबह मैंने कहा मैं कोर्ट से फ्री होती ही आ जाऊँगा, पर ज़्यादा था मेरे पास भी, कोर्ट से फ्री होती हमने अनुपमा जी से बात करी, उनका हम ये अजिंद जी प्रेम जी ऑफिस में मिल जाएंगे आपको, और आप वहीं से जाते हैं हमें ले लेना, हम आपके साथ चले चलेंगे। ठीक,
बहरहाल मैंने जब यहाँ आके फ़ोन करा तो हो सकता है किसी इमरजेंसी में कहीं और चली गई थी, कोई वर्क फ्रॉम था बचना, मैं चला गया वहाँ जाके मैंने वही जांच करी अपनी स्तर पर, उससे पूछा कि भाई भाई को भी ऐसा नहीं रखा, कितने दिन हो, 25 दिन होगी, कैसे लगी। उसने बताया कि लॉकडाउन के समय बहुत अच्छा वो मतलब जाली सीमेंट की जाली को काम करने वाला, सीमेंट की टंकी बनाने वाला ऑलरेडी, मतलब वो साथ में वो एक अच्छा सिलाई टेलर भी है कि भाई कैसे लगी चोट में साहब, लॉकडाउन के अंदर धंधा था नहीं, पक्के बंदे चला गया वहाँ, किसी ने रात को सोते वक्त होटल के अंदर, वहाँ काम करता था मैं होटल पे, किसी ने मेरे पता नहीं ऐसी क्या डाली कि मेरे दोनों पैर गल गए, वास्तव में उसके हड्डी दिख गई। मेरे पास अब आपका भाई वगैरह जो साहब मेरा कोई भी नहीं, ना कोई ले जाना चाहता, एक साहब ने मुझे मतलब मेरा इलाज करवाया लावारिस में अग्रवाल हॉस्पिटल में, 10 दिन में मारा, फिर वहाँ से भी छुट्टी हो गई, फिर मैं वापस यहीं आ गया। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैंने अनुपमा जी को फ़ोन करा कि ठीक है मैंने अपनी स्तर पर जाँच कर ली, आप आ जाए, तो उन्होंने अलका जी को पूछा दी, अलका जी से मैंने कहा ठीक है अलका जी ये सारी चीज़ें हैं बहुत बिल्कुल सही है, इसके साथ में गलत हो रहा है, ये वास्तव में लावारिस ही है एक तरह से, जब कोई नहीं जा रहा, तो आपको ऐसी संस्था जहाँ मुझे पहुँचा सके, मेरे ना ये अभी की बात बता रहा हूँ, मई की 20 मई की बात है, उन्होंने बताया कि साहब एक अपना घर आश्रम है जहाँ पर लावारिसों को रखा जाता है, बस्ती के अंदर अपना घर के नाम से है, लावारिसों को रखा जाता है और वहाँ पर उनका इलाज भी होता है, वो घर की तरह उसका नाम ही अपना घर रखा है और ये बस्ती में है। अच्छी बात, वहाँ की व्यवस्था पर उन्होंने उनकी व्यवस्था, इसको कौन संचालित कौन कर रहा है? एक भरतपुर के भादव जी हैं। अच्छा, और वो निशुल्क संचालित कर रहे हैं। वाह। और पूरे इंडिया में 65, जब मैं अभी गया था मैं जानकारी भी दिया हमने, वो भी आपको बताऊंगा छोड़ के, फिलहाल अभी मैं यहाँ ये बात बता दूँ, उसी वक्त हमने अलका जी से कहा कि भाई आप बताएं क्या एड्रेस दिया, वहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर दिए, एडीएम साहब को मैंने फ़ोन करा, एडीएम साहब को बताया शॉर्टली कि ऐसा मामला है कि लावारी से, और ठीक है मैं आ रहा हूँ, सैटरडे की बात थी, अब वो इसलिए घबरा रही थी कि भाई सैटरडे आ गया संडे आ गया, 2 दिन में पता नहीं क्या हालत होगी, मर जाएगा या कुछ हो जाएगा, इसके पैरों में ज़्यादा तकलीफ, तड़प रहा था बुरी तरह, ऊपर वाला करेगा मैं प्रयास कर रहा हूँ। फिर हम गए, एडीएम साहब आए, मीणा साहब बहुत नाइस आदमी, बहुत अच्छे प्रशासक, उन्होंने पूरी तवज्जो दी, थाने में देखा, थाने की गाड़ी आई और उसी वक्त यानी 2 घंटे के अंदर उसको बस से पहुंचा दिया गया। उन्होंने ये सूचना हमने अनुपमा जी को भी दे दी, देखिए आपने उनको हमने ये कहा कि ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो भी काम हो आप हमें अच्छी बात बताए, उन्होंने काफ़ी आभार किया, आभार तो मैं उनका मुझे करना चाहिए उनका कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया सेवा करने। नहीं नहीं देखिए आप यही तो अवेयरनेस है कि सही जगह बाहर पहुंच जाए और उस पर एक्शन हो जाए, ये बड़ी बात। उसके बाद में अभी 2 दिन पूर्व ये अभी क्या है आज सैटरडे को मैं गया था, सैटरडे को मैं बस्सी गया था। अच्छा, बस्सी गया था उसको संभालने, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है AICC ह्यूमन राइट्स की संगीता जी। अच्छा, वो और हम दोनों गए। ठीक है, और हमारे कुछ और कार्यकर्ता भी थे वहाँ, गए वहाँ देखा, पहली बार ही गए थे हम, नाम सुना था हमने अपना घर। अंदाजन कितने लोग होंगे वहाँ? वहाँ पर 89 है सर, सिर्फ बस्ती में 89। हमने वहाँ बात करी, वो पूरा हमने निर्णय किया, फोटोग्राफ ले किया उनसे, उससे बात करी तो किसी का वहाँ पर सर, सबसे बड़ी जो चीज़ है जो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन कहीं कहीं उनको एक प्रशासनिक व्यवस्था ये सहायता नहीं मिल पा रही। बिल्कुल सही जी, देखिए एक तो उन्हें अनुदान नहीं मिल रहा, मैंने पूछा था कि आपको क्यों नहीं था, हमें कोई सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इनको जब भी कोई बीमार होता है तो हम SMS लेके जाते हैं, अब वहाँ पर आधार कार्ड की जरूरत होती है, क्योंकि ये देखिए उन्होंने देखा बहुत सारे जख्मी थे, किसी के आँखों का ऑपरेशन हुआ है, किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है, और ये जो बंदा हमने पहुँचाया था दारा सिंह, उसकी बाकायदा ड्रेसिंग वगैरह सब बेल बहुत अच्छे तरीके से, भोजन की व्यवस्था देखी बहुत अच्छी व्यवस्था। अच्छा, वहाँ इनको लावारी जी ऐसा कुछ देखा जाता, वहाँ इनका नाम दे रखा है इन्होंने प्रभु। अच्छा, सबको हाँ सब प्रभु, सब अच्छा है, यानी वो ईश्वर का रूप मानते हैं। सही,
और वहाँ अनुदान किसी से ले लेते हो, अलग से आप जाएंगे तो ले लेंगे, हम जाएंगे वहाँ, एक भगवान की चिट्ठी है वो लिख दी जाती है। अच्छा, क्या आज हमें क्या आवश्यकता है। हाँ, और फिर 7 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसा होता है जो वो पहुँच जाता है उसको, मतलब जी पूरी करने, हाँ पूरी करने के लिए कोई ना कोई पहुँच ही जाता है बंदा। हाँ। उनकी सारी वो सहूलतें जो उनकी जो आवश्यकता है जल्दी। राजस्थान में इनकी 22 ब्रांचें हैं अपना घर की, भारद्वाज साहब हैं, इनकी 22 ब्रांचें हैं पूरे इंडिया के अंदर 65 है। बड़ा काम जी, बहुत बड़ा काम, बहुत मतलब मानवता का, जिसे कहते हैं ना मानव सेवा, वास्तव में मानव सेवा, ईमानदारी से जी, ईमानदारी से किसी से 1 रुपया नहीं मांगना, किसी से कोई डोनेशन नहीं लेना, चिट्ठी लिखते हैं ईश्वर को और उसके अकॉर्डिंग मतलब उनका काम चलता है। बहुत अच्छी बात है यार। एक तो उनका नंबर हो तो प्लीज नंबर दे दीजिए जी। हाँ, मैं वहाँ संभव हुआ तो उनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अरे साहब उन्हें तो ये कौन बने करोड़पति में बच्चे साहब ने बुला लिया। नहीं वो ठीक है, बता रहा हूँ ऐसे लोगों को, बाकी क्योंकि ये ऐसा काम है उनके हाथ में जो जी बिल्कुल मानव सेवा, जिसे चाहेंगे कि ऐसे लोगों को भी हम इंटरव्यू करें। बिल्कुल। और आपका ये वीडियो आप उनको भेजना जी, ठीक है ना। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति तो है कि लोग उस तरह सोचते नहीं है, चाहे मंदिर में जाके चढ़ाए जाएंगे सोने का कलश जी, लेकिन जो ईमानदारी से जो सेवा भाव है जो मनुष्य के प्रति, उसमें हम बहुत पिछड़े हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। उसकी वजह ऐसा नहीं है, कोई सा धर्म ऐसा नहीं कहता जी के मानव सेवा मत, कोई सा धर्म ले लीजिए, हर धर्म में दो चीजें मिलेगी। एक पहली चीज ये मिलेगी, आप किसी भी धर्म दूसरे के धर्म का आदर करो, वो किसी भी धर्म का है अगर वो पीड़ित है तो उसकी सेवा करो, ये मत देखो, क्योंकि वो तो ईश्वर की अल्लाह की मतलब मखलूकों में गिनती है। बिल्कुल सही। तो आप किसी का भी हो आप उसकी सेवा करें। तो हम लोग अक्सर ये है, हम धर्म को पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, अंगीकार नहीं कर रहे जी, समझ नहीं रहे, पढ़ तो रहे, पढ़ना तो जान लो, इसी हिसाब से इसी वजह से। और जबकि ये ह्यूमन राइट बात जो मैंने आपको बताया ना, पैदा होने से मृत्यु तक ह्यूमन राइट, ये सभी धर्मों में मिलेगा, सभी धर्मों में मिलेगा। मैंने मानवाधिकार की किताब लिखी साहब, अरे वाह जी, भारत में मानवाधिकार का वो है, मैंने उसमें जो लिए इधर सके पूरे वर्ल्ड के विश्व मानवाधिकार को नहीं लिया है, मैंने सिर्फ हमारे भारत में मानवाधिकार क्या है, कैसे हो, क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें मैंने लिखी। बस वो अभी छपने के लिए बाकी, लिख देती उसकी एडिटिंग बाकी, लिखे अब उसमें है वकालत में, अब धीरे धीरे मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा, सबकी लिखी हुई टाइप नहीं सब कुछ है, कभी समय मिलेगा तो आपको हम लोग भी करा देंगे। अब वो प्रकाशित कब होगी, हम तो आगे तो मैंने कहेंगे कि हमें इंतजार रहेगा कि पुस्तक प्रकाशित होके आए और जी हम भी उसे लाभान्वित हो जी। एक वो तो मेरे तैयार है और एक हमारे जनरल सेक्रेटरी और हम दोनों साझा मतलब महिलाओं के अधिकार, अच्छी बात, वो भी हम चल रही है उसकी स्टडी कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये दो किताबें ह्यूमन राइट्स पे चलती हैं। अब ये मान लीजिए कि मानवाधिकार तो मेरे रग रग में बदल गया, अच्छी बात है सेठी भाई। अब तो एक ही विनती है आपसे कि आप ऐसा अपने स्तर पे प्रयास शुरू करें कि कम से कम सरकार जो है, अशोक गहलोत जी भी इतना कर रहे हैं जी जी, मतलब इतना करने को मैं कहूँगा इतना 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 कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत कर रहे हैं। और उनकी ये रणनीति या उनकी नीति मैच ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के लिए, नहीं नहीं क्योंकि 2013 में जो उनकी घोषणाएं थी वो पूरी कर रहे थे, मतलब तब से ही एक तरह का एक सोच पूरा अलग तरह से उनके चारों ओर ये खड़ा हो गया कि सबकी सेवा भाव से सबको आराम सुविधाएं देने की तरफ से वो बहुत सारी योजनाएं बताया। लेकिन ये जो पक्ष है जो उनका अपना विंग है जी, तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा करिश्मा कर दें इसमें ताकि आप लोग इतने फैसिनेट तो हो जाएं
कि आधी रात को भी ये ना सोचें कि यार गाड़ी कहाँ से आएगी, कि अस्पताल का डॉक्टर कहाँ से आएगा, या इसका इलाज कहाँ कराएंगे। देखिए, चाहे उसके पास अधिक आपका पहचान पत्र है नहीं है, जनाधार है, लेकिन मनुष्य को पहली जरूरत उसके इलाज की है भाई। ये मैं गया था, देखिए वास्तविकता ये है कि गहलोत साहब को अगर राजस्थान का गांधी कहा जाता है ना, ठीक है, तो ऐसे नहीं कहा गया। उन्होंने मानव हित में, जन सेवा में, जन हित में उन्होंने वो कदम उठाए। ठीक है, देखिए जो भी हम घोषणा करते हैं वो एक दिन में नहीं होती, समय के अनुसार धीरे धीरे चलती हो। एक बार मैं अपनी बात पूरी करूँ, समय के अनुसार जो उन्होंने घोषणा करी वो आराम से 13 में करी थी, और ऐसा नहीं 23 चल रहा है, अब हम ये कहने के साथ 10 साल हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो घोषणाएं बराबर उनकी चल रही है, जैसे जैसे समय मिला है ऐसे ऐसे चल रही है। और रहा इनकी जो मैं लेके आया हूँ, उनकी जो इनकी इन्होंने हमारे पास में रखी है, अपना घर वालों ने कि हमें एक हॉस्पिटल होना चाहिए, हाँ। पास में हॉस्पिटल हो ताकि फर्स्ट एड उन्हें मिल जाए, उनको थोड़ा सा अनुदान मिल जाए, अच्छा हॉस्पिटल अनुदान मिल जाए, बिल्कुल साथ में तो उन डॉक्टर्स का पेमेंट ये करें, दवाइयों का पेमेंट गवर्नमेंट। साहब गहलोत साहब तक जब ये बात जाएगी ना, मुझे विश्वास है कि वहाँ पर डिस्पेंसरी भी खुल जाएगी, वहाँ पर अनुदान की भी व्यवस्था होगी। लेकिन वो अनुदान की व्यवस्था ऐसी होती है कि पहले ये देखना पड़ेगा कि वो रजिस्टर्ड है किस स्तर पे, कैसे है, क्या है, उसका देखिए संविधान क्या है। इतना बड़े पैमाने पे है तो रजिस्टर्ड तो होगी, नहीं रजिस्टर्ड तो है लेकिन उसके रजिस्टर्ड है लेकिन उसके संविधान में उन्होंने क्या लिख रखा है अनुदान लेना है या नहीं लेना है या ट्रस्ट किए, तो किस हिसाब से, तो ये चीजें तो हमें देखना पड़ेगी, उसके बाद ही मतलब हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो लिखूंगा हमें गहलोत साहब को, और गहलोत साहब को मेरा ये देख लीजिए कि जो जो हमने वहाँ लिखा वो हमारे काम है, क्योंकि वो हमने हमेशा हमें जनहित के लिए लिखा, पीड़ितों के लिए लिखा, और उन्होंने फौरन गहलोत साहब ने इस चीज़ को स्वीकार किया और आदेश दिया था प्रशासन ने। तो अब समय की बाध्यता है शकील साहब, जी जी बिल्कुल साहब, लेकिन आपका आना बहुत अच्छा रहा, तो शुभ मानता हूँ कि इतनी अच्छी बात मानव सेवा के लिए जो बात सोची जा रही है आप प्रयासरत हैं, और उम्मीद करता हूँ जल्दी आप आपके प्रयास रंग लाएं। और जी और पहले मैं जिला अध्यक्ष था, जी अभी नहीं, अब तो प्रदेश, जी हाँ अभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की कमान अभी संभाली है, तो जिस हिसाब से सबसे पहले मैं कार्यकारी प्रदेश में तैयार करूँगा, जिलों में करेंगे, ब्लॉक में करेंगे, ग्रामीण स्तर पर थोड़ा समय लगेगा 7-6 महीने, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि मैं इस काम को, पार्टी अपनी जगह मेरे विचार था, हाँ ठीक है वो अलग पक्ष है, मैं जब ये करूँगा जाहिर है पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा, जब हम सेवा करते हैं तो हर आदमी वो पक्ष ये कहता है, बिल्कुल हम जब जाते हैं हमने जिसकी सेवा करें हम उससे कहते हैं वोट देना, हम उसकी वोट देते तो देना, सही तो ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें चलेंगी और शीघ्र मेरी कार्यकारिणी है जल्दी मतलब ग्रामीण स्तर तक पहुँचे। आज के आपने मुझे बुलाया, आज के मुलाकात के लिए आभारी रहेंगे, हमारा जन सरोकार शुक्रिया था आप सभी का, और फिर आपको जरूर याद करेंगे, थोड़ा सा महीने दो महीने बाद फिर आगे इसको करेंगे, क्योंकि ये ऐसा प्रसंग है कि, और मैं तो आखिर में ये बात जरूर कहूँगा जी कि देखिए सिर्फ हम ही समाज सेवा से नहीं जुड़े हैं, जो भी आप हैं सब हैं, आप भी एक तरह से ये आपकी ये पत्रकारिता अगर एक समाज सेवा है, क्योंकि आपको कोई चीज का पता चलता है जी, तो आप हमें बताएं ये चीज, बिल्कुल सही, आप जितना आप कर सकते हैं आप करें, हमारे लाभ हो आप हमें बताएं, या आपके कोई और संस्थाएं चल रही है, तो हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मानवाधिकार से संबंधित जो भी काम है वो हमें बताएं, हम आधी रात को हमें इससे मतलब नहीं होता कि हम पैदल हैं या साइकिल पे हैं या कार में, सही हम चल देते हैं, तो शुक्रिया साहब बहुत बहुत आपका, नमस्कार, ठीक नमस्कार।